हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई सीरीज आउटर बैंक्स के सीजन 2 की, जो कि एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री ट्रेजर हंट सीरीज है। और इस सीजन को अच्छे से समझने के लिए सीजन 1 पर बनी हुई आप हमारी वीडियो को देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिलेगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीजन 2 की शुरुआत में हमें पोगस यानी कि जॉन की टीम जॉन और सारा के मौत पर प्रार्थना करती है और पूरा आउटर बैंक्स की कम्युनिटी ऑफिसर पीटर किन के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ कार्गो शिप में कैप्टन टेरेंस को सारा और जॉन के बारे में पता चलता है कि उन पर काफी बड़ा इनाम है और वो उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहता है, लेकिन दोनों उसकी शिप से भाग जाते हैं। साथ ही जॉन अपनी टीम को भी ये बता देता है कि वो दोनों जिंदा है। और फिर जॉन के वार्ड को उसे फंसाने की बात पर शौपे वार्ड से तहकीकात करता है, लेकिन वार्ड अपने वकील की मदद से आजाद हो जाता है। और अभी भी जॉन की टीम वार्ड के पीछे पड़ी होती है और इसलिए वार्ड को इस चीज से पुलिस का सपोर्ट भी मिलता है। दूसरी तरफ बहामास में जॉन वार्ड के बहामास वाले पैलेस में अकेला जाता है और वहां पर वो एक तिजोरी ढूंढ लेता है, लेकिन उसमें से वो सोना नहीं निकाल पाता और सारा भी उसे ढूंढने जाती है और तब टेरेंस उसे किडनैप कर लेता है और वो अपने साथी क्लियो को जॉन को लाने भेजता है। और उन सभी के मिलने पर जॉन टेरेंस को सोने के बारे में बताता है और वो लोग साथ में पूरा सोना चुराने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जॉन के ग्रुप को जॉन के नाम से मर्डर हटाना होता है और इसलिए वो लोग वार्ड के पायलट गेविन को चकमा देते हैं, क्योंकि वही बहामास सोना लेकर गया था और उसने राफे को पीटर किन को मरते हुए भी देखा था। और इस चीज से गेविन डर जाता है और वो वार्ड से राफे के मर्डर वेपन के बदले में पैसे और सिक्योरिटी मांगता है। और उन दोनों के मिलने पर जॉन का ग्रुप उनकी बातें रिकॉर्ड करने वाला होता है, लेकिन वार्ड के पास पैसे ना होने पर वो गेविन से थोड़ा सा वक्त मांगता है। और वहीं पर वार्ड को उसके बहामास वाले घर पर किसी के घुसने के बारे में पता चलता है, जिसमें जॉन असल में वार्ड के घर पर सिक्योरिटी के हाथों पकड़ा गया था और वार्ड वीडियो कॉल में जॉन का चेहरा देखने ही वाला होता है। लेकिन सारा बीच में आकर जॉन के साथ वहां से भाग जाती है और फिर आउटर बैंक में वार्ड गेविन को पैसे ना होने की वजह से मार देता है और ये चीज जॉन की टीम भी देख लेती है, लेकिन वहां पर मर्डर वेपन यानी कि गन गटर में गिर जाती है। और फिर शोपे के पास जाकर जॉन की टीम वार्ड और गेविन के बारे में बताती है, लेकिन वहां से लाश के गायब होने पर शोपे उनकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ सारा टेरेंस से बात करती है और वो सभी मिलकर फिर से सोने को चुराने का बड़ा प्लान बनाते हैं। और फिर वार्ड और रफे मिलकर गेविन की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं और वहां से रफे गटर से गन लेने जाता है। दूसरी तरफ विजी को सारा के जिंदा होने के बारे में पता चलता है और सारा विजी से सोने को दूसरी जगह पर छुपाने की लोकेशन पता लगा लेती है। और फिर क्लियो जो कि टेरेंस की साथी होती है, वो भी उनके सारा और जॉन को पैलेस में छोड़ने जाने पर उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो टेरेंस पर कभी भी पूरा भरोसा नहीं करने कहती। और फिर क्यारा गटर से गन निकाल लेती है और वो लोग जाकर उसे शोपे को दे देते हैं, जिसमें शोपे देखता है कि वो गन असल में वार्ड के नाम पर रजिस्टर है। और तब तक राफे और वार्ड बहामास जाने निकल पड़ते हैं और वहीं जाकर वार्ड राफे को पूरा सोना दिखाता है और उसे उसकी मदद करने कहता है, जिसमें सोना देखकर राफे भी मान जाता है। और फिर सारा जॉन टेरेंस और क्लियो मिलकर वार्ड और राफे को सोना लेते जाते वक्त पकड़ लेते हैं और वहां से जॉन और सारा सोना लेकर निकलते हैं, लेकिन राफे उन्हें देखता है और उन पर गोलियां चलाता है और वहां से वो लोग सोना तो लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन सारा घायल हो जाती है। और तब सारा और जॉन डॉक्टर के पास जाते हैं और दूसरी तरफ से टेरेंस और क्लिया सोना लेकर निकल पड़ते हैं। और फिर पॉप को कार्ला लिम्ब्रे नाम की एक औरत का स्कॉलरशिप के लिए मैसेज मिलता है, साथ ही उसके पास जॉन को बेगुनाह साबित करने का सबूत भी होता है और वो पॉप को मिलने के लिए चार्ल्सटन बुलाती है। और तब तक सारा का डॉक्टर इलाज करता है और वो ठीक हो जाती है। और इस बारे में वार्ड को भी पता होता है, जिसमें राफे को सारा को मारने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जॉन के साथ भाग गई थी। और फिर वार्ड पुलिस वालों को जॉन और सारा को पकड़ने भेजता है और फिर सारा उठती है और वो लोग डॉक्टर के वहां से निकलते हैं और तब उनके पीछे पुलिस पड़ती है और उन्होंने सोना खुद के कब्जे में कर लिया होता है। और जॉन अचानक से क्लियो को गाड़ी ठोक देता है
और फिर क्लियो उन्हें बताती है कि पुलिस वालों ने उनकी शिप से सोना ले लिया और शायद टेरेंस और उसके बाकी साथियों को मार दिया होगा। दूसरी तरफ पॉप अपने सभी साथियों के साथ कार्ला के वहां पर जाने के लिए अपने पिता की गाड़ी से निकलता है और वो रास्ते में खराब हो जाती है और क्लियो पुलिस वाला का ध्यान भटकाती है और उतने वक्त में जॉन और सारा वहां से वार्ड की बोट में भाग जाते हैं, जिसमें जॉन और सारा रास्ते में एक जगह पर शादी कर लेते और फिर दोनों ग्रुप क्लेस्टन में पहुंचते और ये चीज उन्हें पता नहीं होती। और फिर पॉप और ग्रुप के बाकी लोग कार्ला लुम्ब्रे से मिलते हैं, जिसमें उसके पास एक रिकॉर्डिंग में गेविन और वार्ड की बातें होती है और राफे के पीटर किन के मारने के बारे में उस रिकॉर्डिंग में बताया गया होता है और पॉप से कार्ला का क्या काम है ये वो पूछता है और तब कार्ला बताती है कि डेनमार्क टैनी ने अपनी पत्नी और बेटी को आजाद कराने के लिए काफी सारे पैसे कार्ला के पूर्वजों को ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने डेनमार्क की पत्नी और बेटी को आजाद नहीं किया था और तब दोनों वहां से भागे थे, जिसमें डेनमार्क की पत्नी मारी गई थी और उसकी बेटी बच गई थी। और पॉप डेनमार्क का ही वंशज है, जिसमें कार्ला को पॉप के माता पिता के पास से एक चाबी चाहिए होती है जिससे एक खजाना ढूंढ सकते हैं और वो डेनमार्क डैनी के वंशजों के पास थी और इसलिए कार्ला का प्लान पॉप को किडनैप करने का होता है। और तब वहां से पॉप अपने पूरे ग्रुप के साथ भाग जाता है और उन्हें रास्ते में जॉन और सारा भी मिलते हैं और फिर वार्ड उसकी पत्नी रोज को बताता है कि सारा जिंदा है और राफेल ने उसे गोली मारी थी और तब रोज वार्ड को सारा और राफे दोनों में से किसी एक को भी जल्द से जल्द चुन लेने कहती है और जॉन की टीम वापस अपने शहर में आती है और ये चीज राफे को भी पता चलती है और तब राफे और बैरी उन लोगों को मारने चाहते हैं, लेकिन वो सभी लोग छुप जाते हैं और दूसरी तरफ पॉप और क्यारा एक किनारे पर जाकर सेक्स करते और फिर टैनी हिल में वार्ड से सारा आकर मिलती है और तब वार्ड अपने दोनों बच्चों में से किसी को भी चुनने से मना कर देता है और तब सारा कोर्ट में राफे के मर्डर की गवाही देने की धमकी देकर चली जाती है और तब वार्ड पुलिस को भेजकर जॉन को पकड़वा लेता है और पुलिस उसे पीटर केन के मर्डर के इल्जाम में काफी ज्यादा मारती है और फिर वार्ड डेप्यूटी प्लम को जॉन को मार देने के लिए रिश्वत देता है। दूसरी तरफ क्यारा की माँ उसे घर से निकाल देती है और पॉप अपने पिता से उनकी खानदानी चावी के बारे में पूछता है और तब वो बताते कि उसकी दादी के पास एक चावी थी, उन्हें इतना ही पता है। और फिर जेजे जॉन को जेल से भगाने का प्लान बनाता है और फिर जेजे जाकर अपनी कजिन रिकी की एम्बुलेंस चुरा लेता है, लेकिन ये चीज पुलिस को पता चलने पर वो फंस जाता है। और दूसरी तरफ से सारा के मैसेजेस राफे पढ़ लेता है जो कि विजी के फोन में थे और सारा विजी को मिलने बुला रही थी और तब राफे खुद ही जाकर सारा से मिलता है और उसे डुबाकर मारने चाहता है, लेकिन वहां पर टॉपर आकर राफे को मारता है और अगर उसने सारा को फिर से कुछ भी किया तो मार देने की धमकी देता है। और फिर प्लम एक कैदी को जॉन को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वहां जॉन सबका ध्यान खुद की तरफ खींचकर खुद की जान बचा लेता है और फिर क्यारा और पॉप की मदद से जेजे पुलिस के हाथों पकड़े जाने से भाग जाता है। और फिर शॉपे को जॉन मिलता है, जिसमें जॉन अपने बेगुनाह होने के साथ साथ उसके ऊपर हुए हमले के बारे में भी बताता है और शॉपे के दूसरे साथी मिलकर उसे राफे की गन के ऊपर राफे की मिली हुई फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताते हैं और उसी ने पीटर किन को मारा ये चीज साबित होती है और इसलिए पूरी पुलिस फोर्स राफे को पकड़ने के लिए टैनी हिल जाती है, लेकिन दोनों घर से गायब होते हैं। और फिर जॉन अपने पूरे गुनाहों से अब आजाद हो चुका होता है और वो सारा के साथ खुश होता है, लेकिन सारा इस चीज से ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि जॉन और उसके टीम अब उसके पिता और उसके भाई राफे के जेल जाने की वजह से पार्टी मनाते हैं और तब वो फिर से टॉपर से मिलने लगती है और इस चीज से जॉन और सारा में भी झगड़ा होता है। और फिर रेनफील्ड नाम का कार्ला का आदमी पॉप के पिता पर हमला करता है और तब पॉप के पिता पॉप को जाकर उसकी दादी मीमा से मिलने कहता है और फिर रेनफील्ड ये भी बताता है कि वो कार्ला का हाफ ब्रदर है। और फिर वार्ड के वापस आने पर रोज उसे घर से निकाल देती है और वार्ड राफे को शहर से दूर भेजता है, जिसमें राफे अपने साथ बेरी को लेकर जाता है और फिर जोजो और जॉन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और पॉप के मीमा से मिलने पर उसे एक चावी मिल जाती है और फिर कार्ला वहां पर आती है और तब जॉन उसे एक नकली चावी देता है और बदले में वो उससे उसकी बेगुनाही वाली रिकॉर्डिंग ले लेता है और फिर बैरी राफे को पुलिस के बीच में फंसा देता है और तब पुलिस वाले राफे को पकड़ लेते और जॉन की टीम भी पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग देती है
और तब टॉपर के दादा जज हॉल्डन वार्ड को पकड़ने के लिए वारंट निकालते और पुलिस वाले वार्ड को बोट पर पकड़ लेते, जिसमें जॉन की टीम भी वहां पर होती है। और तब वहां पर वार्ड अपने बोट में ब्लास्ट करके उसे उड़ा देता है, जिसमें वो खुदकुशी करता है। और वहां पर टॉपर भी आता है और वो सारा को संभालता है, और जॉन इन चीजों से काफी भड़का हुआ होता है। और फिर वार्ड के एक कन्फेशन टेप में वो बता देता है कि उसने जॉन के पिता गैविन और पीटर के तीनों को मारा है, और इस चीज से रफे फिर से आजाद हो जाता है। और फिर सारा भी जॉन के साथ हुई उसकी नकली शादी तोड़ देती है, और उनमें काफी मनमुटाव के चलते वो फिर से टॉपर के साथ रहने लगती है। और टॉपर सारा को एक दिन बॉनफायर लेकर जाता है, और वहां पर जॉन भी एक नई लड़की के साथ आता है। और तब बॉनफायर में सारा और जॉन आमने सामने आते और उनमें लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में कैल्स जॉन को मारता है। दूसरी तरफ एक हिस्ट्री के टीचर पॉप को डेनमार्क डैनी की डायरी देते, जिससे उसे पता चलता है कि रॉयल मर्चेंट शिप पर सोने के साथ साथ सेंटा डोमिंगो का एक क्रॉस भी था, और उसमें एक खास कपड़ा रखा था जिससे किसी की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, और कार्ला को वो कपड़ा ही चाहिए होता है। और उस शिप का कैप्टन लिम्बरे होते, जो कि अपने सारे सोने को असल में दूसरी जगह से चुरा कर लेकर जा रहे होते, और उन्हें पास में एक जलते हुए स्पेनिश जहाज के लोगों को बचाना होता है, लेकिन वो वहां से क्रॉस को चुरा कर उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देते। और एक थ्योरी के हिसाब से वो क्रॉस जहां भी जाता है तब वहां पर मौत फैलने लगती है। दूसरी तरफ रफे और रोज को ये चीज पता चलती है कि वार्ड ने सोने को कहां पर छुपाया, ये चीज उसने कहीं भी मेंशन नहीं की है। और फिर रेनफील्ड जॉन के ग्रुप के पास आता है और उनसे असली चावी लेता है, और कार्ला के साथ वो टैनी हिल आकर रोज और रफे से आइलैंड रूम देखने के लिए मदद मांगते हैं। कुछ वक्त के बाद सारा भी अपने ग्रुप से मिलती है, और वो बताती है कि आइलैंड रूम असल में उसके घर का एक हिस्सा है, और वहां पर जाकर वो लोग सभी जानकारी देखकर क्रॉस के बारे में पता लगाने का ट्राई करते हैं। और फिर पॉप और जेजे डेनमार्क की डायरी देखते हैं, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसने खजाना एंगल ओक पेड़ के पास चलाया था, जो कि एक चर्च के पास होता है, और वो चर्च गुलामों के लिए बनाया गया था। और तब सभी लोग एंजल ओक के पेड़ के पास पहुंचते हैं, और वहां पर रफे रेनफील्ड और कार्ला पहले ही पहुंचे होते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता, और उनके जाने पर जॉन की टीम आगे बढ़ती है, और वो लोग वहां से रॉयल मर्चेंट शिप का एक स्पाई ग्लास पेड़ के अंदर से ढूंढ लेते हैं, और उसकी मदद से उन लोगों को चर्च के अंदर क्रॉस के होने के बारे में पता चलता है। और वहां पर जेजे और क्यारा उनके पिता का ट्रक लेने जाते हैं, जिससे वो लोग क्रॉस को लेकर वहां से निकल सके। और वहां जेजे के पिता उसे बताते हैं कि वो शहर छोड़ रहे हैं, और तब जेजे उन्हें उनकी बोट तक छोड़ देता है। और रफे और रेनफील्ड भी उन लोगों को चर्च के अंदर जाते हुए देख लेते हैं, और फिर चर्च में वो लोग स्पाई ग्लास से सभी चीजें देखते हैं, और उन्हें ऊपर क्रॉस मिल जाता है जो कि लकड़ी के अंदर छुपा हुआ होता है, लेकिन वहां पर मधुमक्खियों के हमला होने पर पोप नीचे गिरता है और उस पर क्रॉस भी गिरता है। और तब पॉप हटकर बच जाता है, लेकिन उसे एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, और तब वो लोग वहां से बिना क्रॉस को लिए ही निकल जाते हैं। और फिर रेनफील्ड और रफे चर्च में आकर क्रॉस को ले लेते हैं, और फिर पॉप के ठीक होने पर उसे उसकी खानदानी संपत्ति क्रॉस को वापस अपने कब्जे में लेना होता है, और वो अपने सभी साथियों को लेकर आगे बढ़ता है। और रेनफील्ड और कार्ला दोनों क्रॉस को देखते हैं, और उसमें उन्हें पवित्र कपड़ा नहीं मिलता, और तब उनमें लड़ाई होती है, जिसमें कार्ला रेनफील्ड को मार देती है। और तब रफे वहां से क्रॉस को लेकर निकलता है, क्योंकि वो पूरा सोने का होता है, और वो इस बारे में रोज को बताता है। और तब रोज बताती है कि यहाँ पर एक काफी बड़ी गेम खेली जा रही है। और तब तक सारा टैनी हिल में आती है, और तब रफे उसे पकड़कर घर में बंद कर देता है, और वहां पर रोज सारा को ड्रग्स देकर बेहोश कर देती है, जिससे वो लोग उसे वहां से लेकर जा सके। और वहां पर रफे ये भी बता देता है कि उसके पास क्रॉस है, और पॉप उसका पीछा करता है, और जेजे और जॉन रोज का पीछा करते हैं। और फिर रफे रेनफील्ड की बॉडी को एक जगह पर फेंक देता है, और तब वहां पर पॉप और रफे के बीच में लड़ाई होती है, और वहां से रफे पॉप को मारकर निकल जाता है। और फिर पॉप क्यारा के साथ वहां से आगे बढ़ता है, जिसमें जेजे और जॉन देखते हैं कि सारा का पूरा परिवार
कोस्टल वेंचर नाम के एक शिप से सोना और क्रॉस के साथ साथ सारा को भी बंदी बनाकर भाग रहे हैं। और तब पॉप वहाँ पर एक धमाका करके सबका ध्यान भटकाता है और वो सभी लोग एक कंटेनर में जाकर छुप जाते हैं। और फिर बाहर सबको ये भी पता चलता है कि वार्ड जिंदा है। और फिर सारा और वार्ड के बीच में काफी बड़ा झगड़ा होता है और तब वो लोग उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। और रफे वहाँ की सभी चीजें देखता है और क्यारा भी कंटेनर से बाहर निकलने का रास्ता देख लेती है। और उसी शिप पर क्लिया भी होती है जिसमें उसकी लड़ाई पॉप से हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जॉन और सारा के मिलने पर वो उनकी मदद करने लगती है। और फिर जॉन सबको बताता है कि वार्ड जिंदा है और पॉप जाकर कैप्टन को मारता है और क्लियो, जेजे और क्यारा सबको कंटेनर में बंद कर देते हैं, लेकिन रफे बाहर रह जाता है। और फिर सारा वहां से लाइफ बोट को निकालती है और जेजे, क्यारा और पॉप तीनों वहां से क्रॉस को निकालने जाते हैं और वहां पर कैप्टन भाग जाता है और वो सबको आजाद कर देता है। और फिर वार्ड भी आकर सारा से झगड़ता है और तब जॉन आकर वार्ड को मारता है और सारा के साथ पानी में कूद पड़ता है। और दूसरी तरफ कैप्टन भी जेजे को मारकर पानी में गिरा देता है जिसमें वो बेहोश होता है। और तब क्यारा जेजे को पानी में बचाती है और शिप के सभी लोग पॉप पर हमला करके क्रॉस को बचाने में लग जाते हैं। और तब पॉप भी क्लियो के साथ पानी में कूद पड़ता है और सभी लोग जाकर लाइफ बोट पर जमा होते हैं, जिसमें जेजे भी वहां पर होश में आता है। और तब पूरा ग्रुप वहां से आगे बढ़ जाता है और फिर वो लोग एक खाली आइलैंड पर आते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ उनके बारे में शेरिफ के साथ साथ उनके माता पिता भी काफी परेशान होकर उनके बारे में पता लगाने लगते हैं। और फिर कार्ला की मुलाकात जॉन बी के पिता बिग जॉन से होती है जो कि जिंदा होते हैं और वो अपने बेटे जॉन की मदद करने कहते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज आउटर बैंक्स के सीजन 2 का एंड यहीं पर होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स, लगे हाथों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।